हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह बैटल वर्ल्ड का ओरिजिन डूम के हाथों हुआ था और किस तरह डूम ने बियॉन्डर्स के प्लान को फेल किया था। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूनरल हो जाने के बाद गॉड डूम उसी की स्टैचू के नीचे बने हुए एक रूम में जाता है जहाँ पर उसने मॉलिक्यूल मैन को रखा हुआ था। और उससे मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन का यूज करते हुए अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था और इसी चीज का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें रोक दिया था। और इधर वलेरिया कबाल को पकड़ने के लिए अपने फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि उसकी मशीन बैटल वर्ल्ड पे मौजूद हर किसी की एनर्जी को ट्रेस कर सकती थी और उसी का यूज करके कबाल के मेंबर्स और उन सुपर हीरोज को पकड़ने वाले थे। और तब हमें ये बात पता चलती है कि वो सारे सुपर हीरोज दरअसल में कहां पर थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक लोकेशन थानोस की थी, जो इस वक्त शील्ड के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत बैटल वर्ल्ड से होती है, जहां पर इस हादसे को पूरे 3 हफ्ते बीत चुके थे और इस वक्त वलेरिया गॉड डूम को अपने मिशन का अपडेट दे रही थी। वलेरिया ने अपनी मशीन का यूज करते हुए प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव को पकड़ लिया था और इस काम में उसकी मदद करी थी बैटल वर्ल्ड के ही एक बैरन एपोकलिप्स ने। और इस वक्त वो अपने पिता गॉड डूम को इसी चीज के बारे में बता रही थी। अपने इक्विपमेंट्स का यूज करके वलेरिया ने कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट दोनों को ही एक स्टैसिस में रखा हुआ था और उसी वजह से वो उनके बारे में ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक स्वान आ जाती है। ब्लैक स्वान ने पिछले कुछ समय में कैसल डूम में आकर गॉड डूम के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और गॉड डूम इस बात को जानता था कि ब्लैक स्वान को दरअसल में उसी ने क्रिएट किया था और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके उस पर भरोसा करने लगा था। ब्लैक स्वान वहां पर आकर उन्हें बताती है कि उन दो लोगों का नाम दरअसल में कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट था और वो थानोस के ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स थे। और इतना ही नहीं, वो उन्हें ये भी बताती है कि वो दोनों दरअसल में हस्बैंड एंड वाइफ थे। सूजन डूम से कहती है कि उसे ब्लैक स्वान पे भरोसा नहीं था, लेकिन गॉड डूम सूजन से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्लैक स्वान पे भरोसा करता था। और ये कहने के बाद गॉड डूम उससे बाकी लोगों की लोकेशन पूछने लगता है, लेकिन ब्लैक स्वान उनसे कहती है कि उसे उसके अलावा और किसी की लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि कबाल के मेंबर्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे और अगर उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा नहीं गया तो वो इस पूरे बैटल वर्ल्ड को तबाह कर सकते थे। और ये सुनने के बाद गॉड डूम वलेरिया से कहता है कि उसे अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहिए क्योंकि थानोस का बैटल वर्ल्ड पे घूमना डूम के लिए खतरे से खाली नहीं था। और इसी वजह से वो ये बात बोलकर वलेरिया को वहां से भेज देता है। वहां से जाने के बाद वलेरिया फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर एलेक्स पावर्स को कॉन्टेक्ट करती है। वलेरिया ने दरअसल में एलेक्स को एक काम दिया था। उसने उससे कहा था कि वो अपनी मशीन का यूज करके वलेरिया को ये चीज बताए कि डूम की पावर का सोर्स दरअसल में था कहां पर। और एलेक्स इस बात की तह तक पहुंच चुका था। वो वलेरिया से कहता है कि डूम की पावर का सोर्स दरअसल में कैसल डूम में ही है। और इतना ही नहीं, एलेक्स उसे ये भी बताता है कि डूम की पावर का सोर्स दरअसल में वहीं पर है जहां पर इस वक्त वलेरिया खड़ी हुई थी। और वहां से काफी दूर एक अननोन जगह पर अर्थ 616 का मिस्टर फैंटास्टिक और अल्टीमेट यूनिवर्स का मिस्टर फैंटास्टिक दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और इस वक्त वो दोनों मिलकर गॉड डूम को हराने का प्लान बना रहे थे। रीड रिचर्ड्स दरअसल में मार्वल यूनिवर्स का सबसे ब्रिलियंट माइंड है और इस वक्त दो रीड रिचर्ड्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड, जो अपने आप को द मेकर कह के बुलाता था और इसके साथ ही साथ वो पूरी तरह से ईविल भी था, वो 616 के रीड से कहता है कि डूम को हराने के लिए बैटल वर्ल्ड पे ही कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और इस वक्त वो डूम के खिलाफ एक आर्मी बना रहे थे और इस पूरी आर्मी को लीड करने वाला शख्स था द प्रॉफिट। द मेकर रीड से कहता है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रॉफिट दरअसल में था कौन, लेकिन वो इस बात को जरूर जानता था कि वो इस मौके का फायदा उठाकर डूम को मार सकते थे। लेकिन रीड उससे कहता है कि उसका मकसद कभी भी डूम को जान से मारना नहीं है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद मेकर अपना मास्क उतारता है और रीड को अपना चेहरा दिखाता है। वैसे तो मेकर खुद भी अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स था, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स की टाइमलाइन 616 की टाइमलाइन से काफी अलग थी और इसी वजह से मेकर रीड रिचर्ड से काफी यंग था। और उसे देखकर वो कहता है कि उसके यूनिवर्स में उसने किसी भी सेंटिमेंट को नहीं अपनाया और इसी वजह से आज वो रीड से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन रीड उसे देखकर कहता है कि उसके सेंटिमेंट्स ही उसकी सुपर पावर है। लेकिन ये सुनने के बाद
मेकर उसे डूम की एक इमेज दिखाता है जिसमें उसके आसपास रीड की ही फैमिली यानी कि सूजन, फ्रैंकलिन और वैलेरिया थे। और उस इमेज को देखने के बाद रीड को ये चीज रियलाइज होती है कि गॉड डूम ने उसकी वाइफ सूजन को अपनी वाइफ बना लिया था। और ये देखकर रीड पूरी तरह से बौखला जाता है, लेकिन वो अपने आप को एक बार फिर से फोकस करके मेकर से कहता है कि उन्हें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेकर उससे कहता है कि रीड को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेकर ने अपने प्लान को आगे बढ़ा दिया था। और इस वक्त उसके भेजे हुए स्पाइडरमैन अपना काम कर रहे थे कैसल डूम, जहां पर माइल्स और पीटर को मेकर ने एक काम करने के लिए भेजा था। दरअसल में रीड और मेकर दोनों ने ही मिलकर डूम की पावर के सोर्स को ट्रेस कर लिया था और उन्हें इस बात का पता चला था कि डूम की पावर का सोर्स दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू के नीचे है। और इस वक्त वो दोनों ही उस स्टैचू के करीब पहुंचकर उसके आसपास उसके नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वैलेरिया आ जाती है जो उनसे कहती है कि जिस चीज को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो स्ट्रेंज की स्टैचू के नीचे है। और वैलेरिया को देखने के बाद पीटर उससे कहता है, हे वैल, तुम यहाँ कैसे? लेकिन कुछ देर तक स्पाइडरमैन को देखने के बाद वो उससे कहती है कि वो उसे नहीं जानती। और तब पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि गॉड डूम ने उसकी मेमोरीज को वाइप कर दिया था। वैलेरिया उससे कहती है कि उसने अपने पिता की पावर का सोर्स दरअसल में ढूंढ लिया था। और ये कहने के साथ ही साथ वो उन्हें नीचे जाने का रास्ता भी बता देती है। पीटर उससे पूछता है कि क्या वो उनके साथ नीचे नहीं आना चाहती, जिस पर वैलेरिया उससे कहती है कि उसे अपने पिता पर पहले से ही शक है और वो इस बात को जानना नहीं चाहती कि उसके पिता दरअसल में ईविल हैं। और जाते जाते वो पीटर से एक चीज और पूछती है कि क्या वो लोग स्ट्रेंज की मौत के जिम्मेदार हैं। और कुछ देर तक वैलेरिया को देखने के बाद स्पाइडरमैन इस चीज से साफ इनकार कर देता है और वैलेरिया वहां से चली जाती है। लेकिन वो दोनों स्पाइडरमैन उन सीढ़ियों को उतर के एक बार फिर से उसी सफेद कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर मॉलिक्यूल मैन उनका इंतजार कर रहा था। मॉलिक्यूल मैन को देखते ही पीटर उससे कहता है, हे योवन रीस, मॉलिक्यूल मैन, तुम यहाँ कैसे? और मॉलिक्यूल मैन उनकी तरफ देखकर उनसे कहता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? और ये सुनने के बाद माइल्स मोरालेस अपनी जेब टटोलने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो अपनी जेब में से एक बर्गर निकालता है, जिसे देखते ही मॉलिक्यूल मैन पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसे उसके हाथ से छीन लेता है। पीटर माइल्स से कहता है कि इतना पुराना बर्गर वो अभी तक अपनी जेब में कैसे रख सकता है, क्योंकि उस बर्गर को पूरे 8 साल और 3 हफ्ते हो चुके थे और वो किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं था। लेकिन तब उनकी नजर मॉलिक्यूल मैन पे पड़ती है जो उस बर्गर को लगभग आधा खत्म कर चुका था। उस बर्गर को पूरा खत्म करने के बाद ओवन रीस यानी कि मॉलिक्यूल मैन उनसे कहता है कि उसे अब बहुत अच्छा लग रहा है और अब वो उनसे बात करने के लिए तैयार था। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि वो लोग गॉड डूम की पावर का सोर्स ढूंढने उस रूम में आए थे, लेकिन उसे नहीं पता कि मॉलिक्यूल मैन वहां पर क्या कर रहा था। लेकिन ये सुनने के बाद मॉलिक्यूल मैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो लोग गॉड डूम के पावर की सोर्स की तरफ ही देख रहे थे। इधर डूम स्पाइडरमैन की एक्टिविटी से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से प्रॉफिट के ऊपर था, जो इस वक्त डूम के खिलाफ एक आर्मी को लीड कर रहा था। वो अपने कैसल में सारे बैरन्स को समन करता है और उनसे उनके एडवाइस मांगने लगता है। पहले तो ये सारे काम डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप ही निपटा लिया करता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो जाने के बाद अब डूम के पास कोई भी चीफ एडवाइजर नहीं था और इसी वजह से वो उन सारे बैरन्स को वहां पर बुलाकर उनके एडवाइस लेता है। लेकिन डूम इस बात को जानता था कि स्ट्रेंज जैसी एडवाइस उसे कोई भी नहीं दे सकता था। और वहां से कुछ ही दूर हिडन आइल ऑफ आगामोटो में, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक सीक्रेट जगह थी, वहां पर ब्लैक पैंथर और नैमोर दोनों ही आ पहुंचते हैं। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक पैंथर को एक एमुलेट दिया था और उसी का यूज करके वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के कैसल में चले जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक एआई मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके वहां पर आने का मतलब था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी थी। और इस केस में डॉक्टर स्ट्रेंज उनके लिए 2 चीजें छोड़कर गया था, जिसमें से पहली का नाम था द सीज करेजियस और उसे वो नैमोर को देता है, ये कहते हुए कि सीज करेजियस का यूज करके नैमोर अपने आप को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और वो दूसरी चीज वो ब्लैक पैंथर को देता है, जिसे देखते ही ब्लैक पैंथर हैरान हो जाता है। नैमोर उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए क्या छोड़ा है, और ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसके लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट छोड़ गया था। हमारी कहानी एक बार फिर से कैसल डूम में लौट आती है, जहां पर सूजन फ्रैंकलिन को सुलाने के लिए उसे अपने रूम में बुलाती है और हर बार की तरह उसे आज भी एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जिसमें फैंटास्टिक फोर थे। सूजन उसे बताती है कि
कि वो लोग बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले फैंटास्टिक फोर नाम के एक ग्रुप का पार्ट थे, और ये पूरी की पूरी कहानी ठीक वैसी ही थी जैसा कि हमने कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर की कहानियों को देखा है, सिवाय एक चीज के। डूम ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए रीड रिचर्ड्स को हर कहीं से गायब कर दिया था, और यहाँ पे भी सूजन को यही चीज याद थी कि फैंटास्टिक फोर के चौथे मेंबर दरअसल में सूजन और जॉनी के पिता फ्रैंकलिन थे, और अपनी पावर्स के मिलने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को कई बार बचाया। लेकिन बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने के बाद उस पर कई सारे लोगों ने कब्जा जमाने की कोशिश करी, और इसी लड़ाई में उसके पिता फ्रैंकलिन की मौत भी हो गई। और जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब गॉड डूम ने आकर उनकी जान को बचाया, और इस तरह गॉड डूम के आने के बाद सूजन उसके साथ ही रहने लगी। फ्रैंकलिन उससे पूछता है कि जॉनी और बेन का क्या हुआ, तो सूजन उसे बताती है कि गॉड डूम ने जॉनी को इस पूरे बैटल वर्ल्ड पे शाइन करने के लिए एक सन बना दिया। लेकिन बेन के बारे में पूछने पर वो फ्रैंकलिन से कहती है कि बेन की कहानी जानने के लिए फ्रैंकलिन अभी बहुत छोटा था, और जब भी वो थोड़ा बड़ा हो जाता तो वो बेन की कहानी उसे खुद ही सुना सकती थी, क्योंकि बेन की कहानी को समझना और उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन वहां से कुछ ही दूर थानोस ने बेन को ढूंढ निकाला था, और इस वक्त वो उससे कहता है कि उसके पास बेन के लिए कहानी है, और ये बोलने के बाद वो बेन को अर्थ 616 की कहानी सुनाता है, जहां पर वो फैंटास्टिक फोर का एक पार्ट था। वो उसे बताता है कि इस बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले बेन एक हीरो था, एक वॉरियर था, और यहाँ पर उसकी कोई औकात नहीं है। और ये सब कुछ सुनने के बाद बेन ग्रिम थानोस से कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ एक धोखा है। लेकिन थानोस इस बात का जवाब ये कहकर देता है कि ये रियलिटी बिल्कुल सच है, लेकिन चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, और डूम ने उसके अच्छे नेचर का फायदा उठाते हुए उसका यूज किया था। तो अब सवाल ये था कि जो भी हो रहा था, क्या बेन उसे होने देगा या फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर डूम को रोकेगा। और थानोस की बात सुनने के बाद बेन ग्रिम उठ के खड़ा होने लगता है, और इसी के साथ बैटल वर्ल्ड की शील्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि बेन ग्रिम बैटल वर्ल्ड की शील्ड था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और एक वीडियो मैं जो स्पेशली रेकमेंड करूंगा वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ओरिजिन, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के आने वाले पार्ट्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फ्रैंकलिन के ओरिजिन को एक बार देख लीजिए, और प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।